अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ चिकन सूखा मसाला। ये सूखा चिकन है, तो चलिए मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। बड़े मज़े की और टेम्पटिंग से डिश है, इसे आज ज़रूर आप ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की दो प्याज को स्लाइस कर लिया है, दो अनियंस है ये, इसे मैंने रफली ऐसे ही नॉर्मल बड़ा बड़ा सा चॉप कर लिया है। स्लाइस भी चॉप भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। तो खड़ी खड़ी है ये प्याज और इसे मैंने स्लाइस करके डाल दिया है गरम ऑयल में। दो प्याज है, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ा जैसे मसाला चाहिए, तो आप तीन भी प्याज कर सकते हो। प्याज मैंने डाल दिया है, उसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया है और मैंने डाला है दो सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी और चार से पाँच लौंग, ताकि इसके फ्लेवर्स है ना इन्फ्यूज़ हो जाए अंदर अच्छी तरह से। अब फ्रेंड्स, ये है चिकन, ये मैंने येस्टरडे ही वॉश करके अच्छे से ऊपर रख दी थी फ्रीज़र में, ताकि मैं डायरेक्टली ना इसका पानी ना निकले, फिर स्क्वीज़ कर करके फिर पानी बहुत रिलीज़ करता है। तो ये हड्डी के समेत है और ये मीडियम पीसेस का चिकन है। तो प्याज को बस इतना गोल्डन ब्राउन करना है, कच्ची पक्की ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, वरना मसाले का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। अक्सर शिकायत होती है ना अलग से ही मसाला बना एकदम ब्राउन कलर का, वो इसी वजह से होता है क्योंकि प्याज आप लोग कुछ ज़्यादा डार्क करते होगे और लाइट रखोगे तो प्याज मुंह में आएगी, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने देखिए यहाँ पे डाल दिया है चिकन, लेग पीस भी है इसमें, ब्रेस्ट पीस भी है और थोड़ा सा जैसे हड्डी वाला गोश्त होता है ना वैसे वो साइड्स के भी है, रिब्स वगैरह, तो सारा कुछ मिक्स है इसमें। अब मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, चला लिया है, ताकि थोड़ी सी वाइट हो जाए, गोश्त का कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून मैंने भर के डाला है और इसकी भी भुनाई तेल में ही अच्छी तरह से मैं कर लूँगी। इसे आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना कुक करना है, वरना ना चिकन इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा ना पूरा मॉइस्चर हो जाएगा। अब ये है चिली पाउडर और ये है पेपरिका पाउडर यानी कलर के लिए, सब कुछ 1 टीस्पून। ये है धनिया पाउडर और ये हाफ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर। सब कुछ मैंने 1 टीस्पून डाला है अकॉर्डिंग टू माई चिकन, आप लोग अगर कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो। गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून है। इस मसाले की भी आपको भुनाई करनी है फ्रेंड, इसे मैं ढाक के ना लिड क्लोज़ करके इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भूनने दूँगी, ताकि मसाला कच्चा ख़त्म हो जाए जो कच्चापन है। जब तक है इसमें मैं टमाटर है ना मिक्सर में लेके इसे ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी टमाटर को। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे चिकन अच्छे से भुनी गई है और इसने बहुत अच्छे से ऑयल भी सेपरेट कर लिया है। मैं इसमें अब टमाटर डाल दूँगी। अब ये टमाटर इतना आपको कुक करना है जब तक कि पूरी टमेटोज़ का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्लस आपका जो ऑयल है ना कुक हो के पूरा साइड से सेपरेट हो जाएगा, पैन आपका प्रॉपरली मसाला छोड़ने लगेगा, अब कलर इसका देखना कितना चेंज हो जाएगा। अब ये टमाटर कच्चे हैं, हर 5 से 6 मिनट में आपको लिड ओपन करके इसे भूनना है, मिक्स करना है ताकि नीचे से जले ना। ये स्टेनलेस स्टील का पैन है, देख सकते हो आप, मैं ओपन करके इसे कुक कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इसमें मैंने एक कतरा भी पानी नहीं डाला है। टमाटर को भी सिर्फ टमाटर का प्योरे मैंने बनाया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। चिकन अपना खुद पानी थोड़ा रिलीज़ करेगी और ये टमेटोज़ में काफ़ी वाटर होता है, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पानी डाल के चिकन को कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने और कुक कर लिया है, देखिए ये साइड से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है, यानी हमारी डिश ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे मैं इसमें सारी गार्निशिंग कर लूँगी। ये देखिए पैन इस तरह से हमारा मसाला छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं, फ्लेम आपको मीडियम रखना है। तो गाइज़ ये है 1/2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी जो मैंने ऊपर से डाल दिए, एंड में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है, ताकि नमक कम लग रहा है तो आप एंड में भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, शुरू में ही ज़्यादा डाल दोगे तो डिश ख़राब हो जाएगी। अब इसे मैं अच्छी तरह से एक तरफ कर लूँगी और इसकी गार्निशिंग कर लूँगी धनिया की पत्ती फ्रेश। बहुत मज़े की डिश है, इतना मज़ा आता है ना रोटी पराठा, मैंने इसे सर्व किया है खूब्स के साथ, आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, बड़े मज़े की लगती है। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट ये है, बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इतनी झटपट से ही बन जाती है ना, कोई कुकर लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, फ़ौरन से चिकन आपके पास रेडी है, तो बस घर के कुछ 4-5 मसालों से आपकी मज़े की बढ़िया सी डिश रेडी हो जाएगी। चलिए अब मैं सर्व करती हूँ और इसका टेस्ट यकीन माने बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बस आपको कुकिंग इसकी जो है ना भुनाई वो बहुत अच्छे से करनी है और कसूरी मेथी ज़रूर डालें। इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में फ्रेंड्स,
टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।